नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। टीकमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए वीरेंद्र कुमार खट्टीक अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। जब भी अपने घर आते हैं तो वही पुराना स्कूटर निकालकर उस पर निकल पड़ते हैं। पहले वे साइकिल सुधारने का काम करते थे, अब केंद्रीय मंत्री हैं। एक बार फिर वीरेंद्र कुमार खट्टीक टीकमगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं और उन्होंने अपने शपथ पत्र में संपत्ति का ब्यौरा दिया है। उसके मुताबिक उनकी संपत्ति में पिछले 5 साल में लगभग 48 लाख का इजाफा हुआ है। उनके पास वाहन के रूप में महज एक स्कूटर है जिसकी कीमत 5,000 रुपए बताई गई है। वीरेंद्र के पास 2019 में चल अचल संपत्ति की कीमत 94,68,951 थी। अब 1,42,70,572 रुपए की संपत्ति है। इनमें से अचल संपत्ति 1,34,00,000 की है। वीरेंद्र के सामने कांग्रेस के पंकज अहिरवार हैं। उनके पास संपत्ति के रूप में नगद 5,00,000 रुपए, बैंक खातों में 12,320 रुपए हैं और एक बाइक है। जेवर में करीब 20 ग्राम सोना है और कीमत 1,00,000 रुपए बताई गई है। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो उसकी कीमत पंकज ने 80,00,000 रुपए बताई है। टीकमगढ़ से 7 बार से सांसद के पिता सागर में पंचर बनाने का काम किया करते थे। वे भी अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे। वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री जरूर हैं, लेकिन वे अपनी जमीन को कभी नहीं भूलते। आज भी वे पंचर की दुकान पर युवाओं को पंचर बनाने की तकनीक सिखाने में लग जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर अक्सर सामने आती रहती है जब वे दिल्ली से अपने घर आते हैं। पिछली बार भी जब वे घर आए तो पत्नी ने सब्जी लाने को कह दिया। फिर क्या था, मंत्री जी ने भी थैला थाम लिया और इस पर वह पैदल ही सब्जी लेने के लिए घर से निकलते हुए सामने आए तो ई रिक्शा मिल गया। ई रिक्शा पर सवार होकर वह सब्जी मंडी पहुंचे और यहां पर देसी भिंडी की तलाश की। एक किसान के पास देसी भिंडी मिलने पर उन्होंने एक एक भिंडी छांटी और तौल कराया और फिर मोल भाव भी किया। बताते चले, डॉक्टर वीरेंद्र खट्टीक ने 10 सालों तक साइकिल रिपेयर का काम किया और परिवार का खर्चा चलाया। खट्टीक जब 5वीं में थे तब पिताजी की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। खट्टीक कहते हैं कि सागर में गौर मूर्ति पर एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली थी। सभी भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उसी दुकान की कमाई से चलता था। खट्टीक के सागर विश्वविद्यालय से पढ़ाई के दौरान साइकिल रिपेयरिंग का काम किया और कई बार लापरवाही से काम करते थे तो पिता की डांट का भी सामना करना पड़ता था। आज भी वे अपने पुराने स्कूटर पर सवार होकर जनता के सुख दुख में हिस्सा लेने निकल पड़ते हैं। पुराना स्कूटर ही उनकी पहचान बन गया था। वे सरल और सहज स्वभाव होने के कारण स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा चर्चित हैं।